हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए मैथ के मॉक टेस्ट को, जिसमें आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे गए हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एक लिखा हुआ है, 57 कुर्सियों तथा मेज़ों का मूल्य 6000 रुपये है। यदि एक कुर्सी का मूल्य 90 रुपये और एक मेज़ का मूल्य 120 रुपये हो तो कुर्सियों की संख्या कितनी है? तो देखिए, आपको यहाँ पर संख्या रखी है टोटल कितनी, 57 है, जो कुर्सियाँ हैं और मेज भी हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ मान लेना है कुर्सियाँ कितनी मानेंगे आप, मेज कितनी मानेंगे। तो हम मान लेंगे कुर्सी जो हैं वह मान लेंगे एक्स, तो मेज कितनी हो जाएंगी, तो मेज हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर 57 माइनस एक्स। बात को समझिए आप लोग, पहले कुर्सियाँ अगर हमने एक्स मान लें तो मेज कितनी होगी, 57 माइनस एक्स। अब बात समझिएगा, 57 कुर्सियों और मेज़ों का मूल्य आपको रखा है 6000 रुपये, और लिखा है एक कुर्सी का मूल्य 90 रुपये है, एक मेज का मूल्य 120 रुपये है। तो कुर्सी का मूल्य कितना है 90 रुपये और संख्या है एक्स, तो इसका योग हो जाएगा। मतलब क्या करेंगे, मतलब एक्स कुर्सियों की संख्या है और एक कुर्सी का मूल्य है 90 रुपये, तो इसकी गुणा हो जाएगी एक्स गुणा 90, ये इतने मूल्य की हो जाएंगे। प्लस करेंगे इसमें, अब आपको यहाँ पर मेज को भी जोड़ना, देखिए मेज कितनी है 57 माइनस एक्स। अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको गुणा कर देना है 120 से। क्यों? क्योंकि मेज का मूल्य कितना है 120 रुपये और रखा है टोटल कितना है, टोटल है 6000 रुपये, तो है बराबर 6000। इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी। इसके आगे आप लोग गुणा करेंगे, 90 की गुणा होगी एक्स में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90x, इतना आएगा। प्लस करेंगे यहाँ पर, अब देखिए 57 की 12 मतलब 120 में करेंगे गुणा, तो देखिए 0 का तो 0 आएगा यहाँ पर। अब देखिए 12 पंच सत्ते, ठीक है, 12 सत्ते होता है 84 का 4, वहाँ से लगा 8, और देखिए 12 पंच 60 और कितना हुआ 68, इतना हो गया। इसके साथ आपको एक चीज़ और देखना है, यहाँ पर देखिएगा, अभी दिखा रहा हूँ मैं, अभी आपको गुणा करेंगे 120 की एक्स में, तो हो जाएगा माइनस का 120x बराबर 6000, ठीक है, आपका अभी इतना हो गया है। अब इस समीकरण को सॉल्व करिएगा, तो देखिए सॉल्व करेंगे तो आपका इस तरफ कितना आएगा, तो इस तरफ देखिएगा ये 90x है, माइनस का 120x है, तो जाएगा माइनस का 30x बराबर, और देखिए 6000 लिखा हुआ है, अब हो जाएगा माइनस का 6840, तो घटाएंगे हो जाएगा माइनस का 840। देखिए माइनस का माइनस कैंसिल होगा, और देखिए x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 30 से काट देंगे, देखिए 0 से आपका 0 हट जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, बचा कितना 2 × 3 = 8 = 24, आपका यहाँ पर x का मान निकल के आ चुका है 28। अब बात करेंगे, आप पूछा गया था कुर्सियों की संख्या कितनी है, तो कुर्सियों की संख्या कितनी है, 28 है कुर्सियों की संख्या, क्योंकि एक्स एक कुर्सियों की संख्या और एक्स का मान है 28, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी वाला राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर 28। अब देखिए इसके बाद में आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर 2, यदि एक संख्या के 2/3 का 1/4 100 है तो वह संख्या क्या है, एक संख्या का, तो वह संख्या एक्स मान लेंगे हम लोग सबसे पहले, और एक्स मानते ही आपका सवाल बहुत जल्द लग जाएगा। देखिए रखा है एक संख्या के 2/3, तो एक संख्या एक्स, इसके 2/3, तो मतलब 2/3 लिखा है, का 1/4, तो मतलब का 1/4 कितना है, 100 है, तो मतलब बराबर 100। देखिए आपका समीकरण यहाँ पर बन गया है, अब कोई भी समस्या आपको नहीं होगी सवाल को लगाने में। देखिएगा यहाँ पर 2 × 1 = 2, और देखिए यहाँ पर करेंगे 2 × 2 = 4, आपका एक्स का मान निकल के आएगा, देखिए एक्स 100 × 3 × 2 गुणा करेंगे कितना होगा, 100 × 300 = 600, देखिए आपका 600 आ चुका है। ऑप्शन बी वाला इसके लिए राइट ऑप्शन आप होगा, यहाँ पर लिखा हुआ आपके लिए 600, तो ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 0.8 × (?) = 0.004, तो आपको यहाँ इसकी प्रकार लिखना है 0.8 बराबर एक्स, एक्स नहीं लिखेंगे पहले आप, लिखेंगे गुणा एक्स बराबर क्या लिखेंगे, 0.004, एक्स का मान निकालें कितना होगा, 0.004/0.8, इतना हो गया है। अब देखिएगा यहाँ पर, यहाँ से हम लोग पॉइंट लगाएंगे, पीछे लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए एक अंक पीछे बढ़ा देंगे, ठीक है, तो आपका हो गया है 0.04/8, आपका सवाल इतना हो गया है। अब देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जिस संख्या में पॉइंट लगा होता है उसमें आगे या पीछे कितने भी जीरो आप बढ़ा सकते हैं अपने आप, तो देखिए 0.04 लिखा हुआ है, इसके आगे हम लोग एक जीरो अपने आप बढ़ा देंगे, ठीक है, इस प्रकार से इतना हो जाएगा। अब 8 से काटेंगे, देखिए 8 × 8, यहाँ देखें लगाएंगे पॉइंट, तो यहाँ क्या हुआ, देखिए यहाँ पर जीरो तो नहीं जाएगा। अब देखेंगे हम लोग 2 अंक, 2 अंक में हुआ 4, जब भी संख्या में मतलब भाग में
कोई दो अंक एक साथ लेते हैं तो हम एक जीरो बढ़ाते हैं, तो यहाँ जीरो आएंगे तब भी नहीं जाएगा। अब हमें देखने हैं तीन अंक, तीन अंक के लिए यहाँ पर दो जीरो बढ़ेंगे और रहेगा आठ पंचे चालीस। तो दोस्तों आपका निकल के आएगा 0.005। ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पर तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी वाला राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर 0.005, आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर चार को लिखा है, चार गुणा तीन भाग चार, ठीक इस प्रकार से आपको ये बोर्ड मास रखा है। अब पूछा गया इसका मान कितना होगा, इसका मान आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे चार इंटू, आगे देखेंगे लिखेंगे तीन भाग चार, आगे देखिए क्या लिखेंगे, चार गुणा तीन भाग, अब देखिए यहाँ पर इसकी गुणा कर देंगे कितना आएगा, तीन थी होता है नौ, लिखेंगे नौ, ठीक है इस प्रकार से सबसे पहले तो आपका इतना हो जाएगा। इसके आगे सॉल्व करेंगे कितना होगा, देखिए चार गुणा तीन भाग चार, अब यहाँ पर देखिएगा आप सभी जानते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो इसे यहाँ पर भाग करेंगे तो जाएगा चार गुणा, अब देखिए तीन और तीन, तीन एक तीन तीन हो जाएगा एक बटा तीन, आपका यहाँ पर इतना आएगा। ठीक है आप लोग अपनी कॉपी कलम निकालिएगा फिर आप सवाल को लगाइएगा अपने आप। देखिए आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा चार इंटू तीन भाग चार, और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ये वाला, यहाँ पर इसकी गुणा कर देंगे तो हो जाएगा चार बटा तीन, यही करेंगे तो देखिए क्या कर देंगे, लिख देंगे चार बटा तीन। इस प्रकार से आपका दोस्तों यहाँ पर इतना हो गया है। इसके आगे देखेंगे क्या होगा, आगे देखिएगा लिखेंगे चार गुणा, देखिए तीन भाग लगा चार लिख लेंगे और यहाँ लिखेंगे गुणा चार बटा तीन, ठीक है क्या लिखेंगे, गुणा चार बटा तीन। इस प्रकार से आपका इतना हो जाएगा। आगे देखेंगे, देखिए पहले भाग को हल करते हैं गुणा को, तो पहले भाग को करते हैं, तो पहले भाग को हल करेंगे ये कितना हो जाएगा, देखिए लिखेंगे चार गुणा, ये आपका हो जाएगा तीन बटे चार और गुणा लिखा है चार बटा तीन, इतना आ गया है। देखिए चार से चार कट गए, तीन से तीन कट गए, तो यहाँ बचेगा चार गुणा एक, मतलब कितना आ गया आपका निकल के, यहाँ पर आपका निकल के आ गया है चार। ऑप्शन की बात करेंगे तो होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो हमारे चार सवाल लग चुके हैं, अब देखते हैं इसके बाद में आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर पाँच, कोई व्यक्ति अपने बाग में 22,801 पौधे लगाता है, यदि एक पंक्ति है पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है तो पंक्तियों की संख्या कितनी है। देखिए जब भी पौधों की संख्या और पंक्तियों की संख्या बराबर होती है तो इस प्रकार के सवाल को हम लगाते हैं वर्गमूल से। ठीक है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिख लेना है यहाँ पर है देखिए 22,801, इसका निकाल देना है हमें वर्गमूल। तो आप लोग वर्गमूल निकालना जानता होंगे, भाग इससे देखिए कैसे निकलता है, एक एकन करेंगे तो हो जाएगा एक, तो आपका देखिए यहाँ पर कितना बचा, यहाँ बचा एक, यहाँ कितना हो गया, हो गया दो, तो यहाँ एक लिख देंगे। इसके बाद अब अगली संख्या उतारेंगे, देखिए उतारते हैं जोड़ा से, ठीक है पीछे से बनाएंगे जोड़ा, तो एक ये बन जाएगा जोड़ा ये वाला जीरो एक का, एक ये बन जाएगा और ये सिंगल हो जाएगा दो सिर्फ, ठीक है इसलिए हमने एक एकन एक कर लिया। यहाँ पर अगली संख्या उतारेंगे हो जाएगा दो आठ उतारेंगे यहाँ पर, अब देखेंगे क्या दो के पहाड़े मतलब क्या है, यहाँ से एक आठ को छुपा देना है और दो का पहाड़ा पढ़ना है बारह आ जाए, दो छंग बारह, तो हमें यहाँ पर देखिए छः छः रख के देखना है। ठीक है कल गुणा करेंगे छत्तीस छत्तीस का छः, यहाँ से लगा तीन छः दूनी बारह तीन पंद्रह, ज़्यादा वाला नहीं जाएगा तो हम जाएंगे इसे पाँच बार लेकर जाएंगे। ठीक है देखिए पच्चीस पंचे कितना होता है, 125 होता है, ये कट जाएगा कितना बचेगा, सिर्फ बचेगा यहाँ पर तीन, ये तो यहाँ पाँच भी आ गया है, तो एक पाँच आपको देखिए ऑप्शन नंबर सी वाले में दिख रहा है एक पाँच, आगे भी देख लेते हैं जाएंगे जीरो एक, पच्चीस पाँच हुआ तीस, अब देखें एक इक्कन एक जीरो तीन, बिल्कुल करेक्ट आपका है 151 आ जाएगा आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी वाला 151। पंक्तियों की संख्या पूछी गई है, पंक्तियों की संख्या होगी 151, अगर आपसे कहा जाता पौधों की संख्या कितनी होगी तो पौधों की संख्या भी होती है 151। इसके बाद दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि x बराबर अंडर रूट दो प्लस अंडर रूट दो प्लस अंडर रूट दो प्लस डॉट डॉट हो तो x का मान क्या होगा। दोस्तों अगर आपके सामने इस प्रकार का सवाल कभी भी आ जाए तो इसे लगाने के लिए सबसे पहले देखिए अंदर कितना लिखा है दो, तो सबसे पहले तो आपको दो के गुणनखंड करना है, तो आप सभी जानते हैं दो गुणा एक होता है दो इक्कन दो, बड़ी वाली संख्या जो होती है वो होती है प्लस की, छोटी वाली करते हैं हम लोग माइनस की, तो जाएगा दो कामा माइनस का एक, बात को समझिए कितना हो जाएगा दो कामा माइनस का एक। ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पर ए वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन इसके लिए होगा दो कामा माइनस एक, ऑप्शन नंबर आपको ए वाले में दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों देखिएगा छः के बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर सात क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, तीन बटे पाँच पाँच बटा छः दो बटा तीन चार बटे पाँच। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तो आपको काट के यहाँ पर देखना होगा किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसे, तो आइए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो आपको पाँच से काटना है, देखिएगा पाँच से काटेंगे यहाँ लगाएंगे पॉइंट बढ़ाया जीरो हो गया तीस, पाँच छक्का कितना हुआ तीस, आगे देखेंगे देखिए छः से काटेंगे छः से काटिएगा छक्कन छः ये काटेंगे छः से, देखिए पॉइंट लगाएंगे बढ़ाएंगे जीरो हो जाएगा पचास, अब पचास होने के बाद कर देंगे छः अठे अड़तालीस बचा कितना दो बीस छः दूनी बारह छः अठारह इतना हो जाएगा, इसे काटेंगे देखिए तीन से काटेंगे कितना आएगा एक
पहले लगाएंगे पॉइंट, ठीक है। जब यहाँ पॉइंट लगेगा तो यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा, यहाँ पर 0-1 बढ़ जाएगा। फिर देखिए क्या करेंगे हम इसके बाद में, जब 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा हो जाएगा 20, फिर देखिए तिरछा 18 बचा 2, फिर से भी तिरछा 18 6.66 आ जाएगा। आगे देखेंगे 5 से काटेंगे, देखिए पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 40, 5 6 40 इतना हो गया है। सबसे छोटी संख्या कितनी देखेंगे आपको 0.6, तो सबसे छोटी कौन सी होगी 3/5, ऑप्शन नंबर ए वाला इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो गया है 3/5। इसके बाद देखिएगा दोस्तों आपके लिए 8वां नंबर क्या रखा है, एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। देखिए यहाँ कह रहा है खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने पड़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर 10, 15, 20 का लाशा निकालना पड़ेगा। जब हम 10, 15 और 20 का लाशा निकालेंगे तो ये 5 से काटेंगे, देखिए 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। इसके बाद देखेंगे 2 से काटेंगे, 2 1 2, देखिए 3 और 2 2 4, तो आपके यहाँ पर गुणनखंड हो रहे हैं 5×2×3×2। इसे सही से लिखेंगे हम लोग तो ये आएगा कितना हो जाएगा 2×3। इस प्रकार से हम लोग इतना कह लेंगे इसे। इसके बाद दोस्तों इस सवाल को फिर से पढ़िएगा, लिखा है पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, क्या बनाता है पूर्ण वर्ग। यहाँ पर आप देखिएगा पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है, तो इसमें तो हम लोग 5 से गुणा कर देंगे और इसमें हम लोग यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे, 5 से गुणा इधर करेंगे 3 से गुणा इधर स्टॉप कर देंगे, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। पूछा गया है सिपाहियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, तो गुणा करिए कितना हो जाएगी 5 3 15, फिर से देखिएगा 25 25 25 50, 50 2 100 और 3 3 900, नेम कितना हुआ 900। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए सी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके लिए 900, तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, 2 अंकों की 2 संख्याओं का गुणनफल 160 है, उनका लाशापा मतलब लाशा 180 संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको एक सूत्र याद होना चाहिए, संख्याओं का गुणनफल बराबर सूत्र होता है लाशा गुणा मासा। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले निकालेंगे मासा मतलब HCF, ठीक है, निकालेंगे तो होता है संख्याओं का गुणनफल बटे लाशा, तो इससे कर देंगे 2160 अपान में कितना कर देंगे 180, ठीक है, इस प्रकार से निकाल देंगे। 0 से आपका 0 कैंसिल होगा, 18 1 18, देखिए काटे 18 1 18 बचा गया 3, 18 2 कितना हुआ 36, तो आपका आ गया है 12, HCF निकल के आपका आ चुका है 12। अब आपको देखना है संख्याएं याद करनी है दोस्तों। अब इसके बाद में आपको देखिए और तो कोई तरीका नहीं है जिससे निकाल सकते हैं आप लोग, यहाँ पर आपको देखने का अब देखना यहाँ पर है कि आपको ये संख्याएं दे रखी हैं, इनमें 12 किस में आपको कॉमन मिल रहा है, दोनों में देखना है आपको है। तो देखिए ऑप्शन बी वाला देखिए 12 कितना होता है 12 3 36 और 12 5 60, तो इसके लिए बी वाला ऑप्शन होगा यहाँ पर 36 और 60। आप लोग सवाल को अच्छी तरीके समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों आपके लिए अंतिम क्वेश्चन क्या यहाँ पर है, 2 लगातार छूट 10% तथा 15% के बराबर एक छूट कितने परसेंट की होगी, मतलब पहले 10% छूट देते हैं और 15 की छूट देते हैं, तो इन्हें एक साथ कर दें तो कितने की हो जाएगी। कुछ लोग क्या करेंगे यहाँ जोड़ देंगे कि 10 15 कितना हुआ 25 घटा देंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसे निकालने के लिए आपको एक बिल्कुल अच्छा तरीका होना चाहिए, वो तरीका क्या है, हम 100 से माइनस करेंगे, किसको करेंगे 100 इंटू, अब देखिए यहाँ पर 10% की छूट गई है तो 100 से 10 का कितना हो जाएगा 90/100 कर देंगे यहाँ पर, और गुणा करेंगे 15 की छूट करेंगे कितना होगा 85/100, इतना हो जाएगा यहाँ पर। 100 से आपका 100 कैंसिल हुआ, 0 से आपका 0 कैंसिल हुआ। अब देखिए यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 2 10, 5 1 5 बचा 3 होगा 35, 5 से 35 इतना आपका आ चुका है यहाँ पर। और आगे देखिए कितना होगा 2 से काट लेंगे, देखिए 2 9 18, 2 8 16 कितना बचा 1 बच गया यहाँ पर। जब आपका यहाँ पर 1 बच गया है, 2 8 16 बचा कितना 1, लगाया पॉइंट बढ़ाया 0 2 5 10, इतना हो गया है। आगे देखेंगे देखिए 100 माइनस गुणा करेंगे 9 5 45 का 5 हाँ से लगा 4 और देखिए 9 8 72 72 4 कितना हुआ 76, तो इतना आ जाएगा। अब 100 से माइनस करेंगे तो आपका निकल जाएगा 23.5%, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए सी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।